हाय, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। तो उसके लिए पहले मैंने 7 से 8 लंबे गाजर को श्रेड कर लिया है और इसको आप धो भी सकते हैं पहले गाजर को, और बाद में भी आप जब श्रेड कर लें तब भी आप इसको धो सकते हैं। तो इसको हमने श्रेड कर लिया है। हम पैन चढ़वा लेंगे। अब हम इसमें देसी घी डालेंगे। क्योंकि हमने 7 से 8 लंबे गाजर लिए हैं तो आई थिंक 4 बड़े चम्मच या 5 बड़े चम्मच देसी घी के डालने होंगे इसमें। देसी घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे और उसके बाद जो हमारे श्रेडेड गाजर हैं उसको हम इसमें डाल के भून लेंगे। हमारा ऑयल हीट हो चुका है आई थिंक ऑलमोस्ट। तो अब जो गाजर हमने जो श्रेड किया था उसको हम इसमें डाल लेंगे। तो आई थिंक इंडिया में अब विंटर का सीज़न आ रहा है और लाइक यू नो गाजर बहुत ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, और बाहर की मिठाई खाने से अच्छा है कि आप लेकिन गाजर का हलवा घर में बना लें और उसको फिर आप फ्रिज में स्टोर करके लेकिन आराम से 1-2 हफ्ता चला भी सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ उसको, ताकि ये 2 हफ्ता या फिर 1 हफ्ता एटलीस्ट लेकिन चल ले। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो बहुत ही सिंपल लाइक यू नो गाजर का हलवा की रेसिपी है ये। उनकी यूजिंग लाइक यू नो सो मच ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बस देसी घी और उसमें अब जो गाजर हमने श्रेड किया है उसको अच्छे से नॉट हाई फ्लेम बट हाई और मीडियम के जो बीच का फ्लेम है उसमें आप इसको पकाएं, ताकि ऐसा ना हो कि गाजर आपका जल जाए। और फिर जब तक हमारा गाजर लाइक यू नो हम इसको भून रहे हैं, क्योंकि इसमें आई थिंक 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, नॉट 20 मिनट बट आई थिंक 15 मिनट का टाइम लगेगा जब आप इसको लो फ्लेम पे हल्के हल्के भूनते रहेंगे। तो इन दैट टाइम जो बाकी लाइक यू नो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, उसको आप पतला पतला महीन महीन काट सकते हैं। और इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो काजू हो, बादाम हो, किशमिश हो, पिस्ताचू हो। तो मेरे पास यही 2 ड्राई फ्रूट है तो मैं इन दोनों को महीन महीन काट लूँगी।